અહીં ખાસ જે ગરીબ કલ્યાણ મેળો છે ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે પીએમ મોદી અને 19,000 થી વધારે લોકોને જે સરકારી યોજનાના લાભ છે તે લાભ આપવા માટે તેઓ અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આ તમામ જે લાભ છે તેનું લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે। तो सेलवास ना दृश्य आप જોઈ રહ્યા છો। सेलवास पर सौप्रथम भव्य स्वागत करायू पीएम मोदी नु। तमाम जे विद्यार्थिनीओ छे लायंस स्कूल नी ते विद्यार्थिनीओ आतुरताथी राह जोई रही हती पीएम मोदी नी। हेलीपेड पर त्यां तेमनु स्वागत करायू अने त्यार बाद पीएम मोदी हवे स्टेज पर आवी पहोंच्या छे। गरीब कल्याण मेळो के ज्यां तमाम जे लाभो सरकारी योजनाना जेमने आपवाना छे ते लाभो नु लोकार्पण थई रह्यु छे पीएम मोदी ना हस्ते। आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती ज्योतिबेन राजेश भाई गावित। ज्योतिबेन राजेश भाई गावित, श्रीमती लक्ष्मीबेन दाजी भाई भोया, श्रीमती सुशीलाबेन प्रभु भाई निकुलिया, इस आदिवासी विस्तार में लकड़ी से चूल्हे जलाए जाते हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और गैस कनेक्शन से लकड़ी की भी बचत होती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उम्दा विचार और ये उनकी उम्दा भावना महिलाओं को सम्मानित करती गई है। तभी तो उज्ज्वला योजनाओं को महिलाओं को सम्मानित करती योजना कहा गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तों रोजगार के नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। प्रशासन ने 8 रोजगार मेलों द्वारा उद्योगों की सहाय से 1,402 बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ, जिनमें महिलाएं, विधवा बहनें और दिव्यांगजन भी हैं। आमंत्रित करते हैं पटेल ललिता बहन शंकर भाई को। साथ ही श्रीमती याशिका प्रीतेश भाई वारली।